मुंबई वाले जब दिल्ली आते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मौसम के साथ सैर सपाटे का भी खूब आनंद लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह रब से है दुआ मेरे जल्द ही सुभान सिद्दीकी की तरह नजर आने वाले धीरज धूपर जब पहुंचे दिल्ली दर्शन करने, तो क्या क्या हुआ। Hi guys, मैं हूं धीरज धूपर और मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली। Yes, मेरी दिल्ली। मैं दिल्ली आया हूं अपने शो के प्रमोशन के लिए, विच इस रब से है दुआ। और ऐ सुभान सिद्दीकी, मैं पहली बार दिल्ली आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुभान सिद्दीकी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना मेरे प्रीवियस कैरेक्टर को दिया था आपने। वेल, दिल्ली मेरे लिए बहुत खास है। मेरा अपना शहर है, मेरी अपनी दिल्ली है। और जब दिल्ली की बात आती है तो खाने की बात ज़रूर आती है, और खाने से याद आया कि दिल्ली की चाट बड़ी फेमस है। सो आज एबीपी के साथ मैं कुछ चाट पकौड़ी खाऊंगा। यार, मैं दिल्ली आऊं और चाट ना खाऊं ऐसा कभी हो नहीं सकता। यहाँ दिल्ली आके बचपन की याद ताज़ा हो गई, और मैं आया हूँ यहाँ मेरे पुराने दोस्त के पास। श्री प्रभु चाट वाले हैं ये। आप कब से चाट बना रहे हैं? सर, मेरे काफ़ी टाइम हो गया, मैं 1992 से यहाँ आया। बाप रे बाप। स्पेशलिटी क्या आपकी चाट की? सर, हमारी ये हमारी बल्ला पापड़ी है। हाँ। बल्ला पापड़ी लोग ज्यादा लाइक करते हैं। हाँ। टिक्की है। हाँ। आलू चाट है। हाँ। गोलगप्पे हैं, गुलाब जामुन है। हाँ। फलूदा कुल्फी, लेकिन वो सर्दी में बंद कर देते हैं, गर्मियों में चालू रहती है। सुपर। मैं यहाँ अपना शो प्रमोट करने आया हूँ जिसका नाम है रब से है दुआ। अच्छा जी। और जो जी टीवी पर आएगा उसको प्लीज देखिएगा। और मैं चाट खाने आया हूँ, ये मेरी याद रहेगी हमेशा। दिल्ली प्रमोट करने आया हूँ। सर, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगा, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बनाई है। थोड़ी स्पाइसी है, बहुत अच्छी है। मेरा दिल्ली आना सक्सेसफुल हो गया आपके यहाँ के। दिल्ली आए और जनपद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एंड जनपद की शॉपिंग इज़ वर्ल्ड फेमस एक्चुअली। और मैंने एक शॉप देखी जनपद पर जहाँ पे काफ़ी अच्छी एंटीक ज्वेलरी, एंटीक बोलते हैं ना, एंटीक ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी मुझे दिखाई दी। तो मैंने सोचा विनी के लिए कुछ ले लूँ, और वैलेंटाइंस डे का मौका भी है, सो वाई नॉट। आई जस्ट होप कि मैं जो लूँ उनके लिए वो उनको पसंद आए। लगता है थोड़ा सा अलग सा है। आई होप शी लाइक इट। थैंक यू।
रब से है। दुआ में मैं सुभान सिद्दीकी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो विश्वास रखता है कि औरतों से सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं, आपकी माँ, भाभी, बहन, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी हैं, जो औरत हैं, वो सिर्फ आई थिंक दे आर मेड फॉर लव, एंड उनसे सिर्फ मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, उनका ख्याल रखिए। और सुभान जो सोचता है वो ये है कि अगर कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं तो उसका कोई मिसयूज़ ना हो लाइफ में किसी चीज़ के लिए। तो ये एक मैसेज है थ्रू द शो टू द ऑडियंस, टू द सोसाइटी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग दिस कैरेक्टर। मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया अपने करियर में। इट्स अ मुस्लिम शो, इट्स मुस्लिम बेस्ड शो, एंड आई एम प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर पहली बार अपने करियर में, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और मुस्लिम बैकग्राउंड है तो थोड़ी तहजीब, जो थोड़ा उर्दू के वर्ड्स हैं वो सीख रहा हूँ, जिस तरीके से बोली जाती है उर्दू वो सीख रहा हूँ। एक अलग रूप है इस कैरेक्टर का भी, जो थोड़ा सा छुपा हुआ है उसकी फैमिली से, दैट इज़ अ सीक्रेट सुपरस्टार। उसको सिंगिंग का बहुत शौक है तो वो थोड़ा दादी से छुपा के करता है, क्योंकि दादी अलाउ नहीं करती और वो नहीं चाहता कि दादी की फीलिंग्स हर्ट हों, इसलिए छुपा के करता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। ABP News, आपको रखे आगे।